राजधानी लखनऊ में ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना से प्रदेश में अभी तक 37,60,000 से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। बता दें कि 31 दिसंबर तक चलने वाली ओटीएस योजना से लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग इससे लाभ के दायरे में आ सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि योजना से जहां एक तरफ विभाग को 4,000 करोड़ रुपये राजस्व मिला है, वहीं 15.50 करोड़ की जनता ने ओटीएस योजना में छूट प्राप्त की है। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि प्रदेश के जो भी उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने भी लगभग 1,70,000 लिया है। किसानों की बात करें तो आपको मालूम है कि लगभग कुछ 14 लाख किसानों के नलकूप कनेक्शन होते हैं। उनके उनमें से यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या, लगभग 1.5 लाख से ऊपर, 1,56,000 लोगों ने उसका लाभ लिया है। निजी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ के लाभ लिया है, 1,559, और लघु उद्योगों ने भी अच्छी खासी संख्या में इसका लाभ लिया है, 8,000, लगभग 9,000 लघु उद्योगों ने भी। तो घरेलू वालों का तो एक तरह से एक बहुत बड़ा एक कल्याणकारी योजना रही है। 33,5 लाख लोगों ने इसका लाभ ले लिया है। अंत में मैं आपके मार्फत लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि पिछली साल हमने जो योजना चलाई थी उससे भी बहुत सफल ये योजना रही है। पिछली साल की जो ओटीएस चली थी उसमें 38 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया था, लेकिन अभी इस योजना का 9 दिन बाकी है, तो मैंने जैसा कहा कि ये संख्या पार हो जाएगी। जमा राशि पिछली बार लगभग 2,900 करोड़ थी, उसके सामने इस बार 3,900 करोड़ हुई है। और जो लोगों को जो फायदा हुआ था वो पिछली योजना में लगभग 850 करोड़ हुआ था, इस बार 1,550 करोड़ रुपया ऑलरेडी लोगों ने लाभ ले चुके हैं, लोग लाभ ले चुके हैं। आने वाले दिनों में संख्या, ये लाभ की रकम बढ़ करके लगभग 2 गुनी पहुंचने की मेरी व्यक्तिगत उम्मीद है।